Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 3. Okay, so let's begin in the today's session. Okay, so we see here that a parajumble question is given over here. Okay, and there are 4 sentences. Okay, and we have to determine what is the correct sequence of this parajumble. Okay, so first let us read it and we try to understand how we are going to deal with it. Okay, so the first sentence, it says, relying on narrative structure alone, indigenous significances of 19th century San folktales are hard to determine. ठीक है, तो बता रहा है कि नरेटिव स्ट्रक्चर पे रिलाई करने के बाद, ठीक है, रिलाई करने से जो इंडिजीनियस सिग्निफिकेंसेज ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, मतलब कि इंडिजीनियस मतलब कि नेटिव जो है वहाँ का, उस समय 19th सेंचुरी के बारे में बता रहा है कि 19th सेंचुरी के नेटिव जो नेटिव्स रहते थे उनके बारे में बता रहा है. ठीक है, तो सैन फोकटेल्स आर हार्ड टू डिटरमाइन. ठीक है, तो जो वहाँ के जो नेटिव पर्सन से, तो उस जगह से रिलेटेड, कोई भी जगह से रिलेटेड वहाँ के कुछ टेल्स होते हैं, कुछ स्टोरीज होती हैं. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोक टेल्स. ठीक है, तो फोकटेल बोल रहा है कि उसके फोक टेल्स को डिटरमाइन करना हार्ड है. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो फोक टेल्स बता रहा होगा वो वहाँ के स्टोरीज में जब हम किसी को बताते हैं तो उस हिसाब से वहाँ पे वो सही नहीं बैठता हो, या हमें लगता हो कि हाँ ये कहीं और का स्टोरी है. ठीक है, ओके, सो देखते हैं आगे क्या बोलता है. यूजिंग देयर सुपर नेचुरल पोटेंसी बिनाइन शमाम्स ट्रांसेंड द लेवल्स ऑफ सैम कॉस्मोस इन ऑर्डर टू डील विद सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू प्रोटेक्ट मटेरियल रिसोर्सेज एंड इंजॉय अ मेजर ऑफ रेस्पेक्ट दैट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूजिंग देयर सुपर नेचुरल पोटेंसी. ठीक है, तो सुपर नेचुरल पोटेंसी मतलब हो गया आपका कि सुपर नेचुरल पावर हो गया या अथॉरिटी हो गया. ठीक है, बिनाइन शमाम्स, तो बिनाइन शमाम्स मतलब क्या हो गया कि जेंटल, बिनाइन मतलब हो गया आपका जेंटल. ठीक है, जो जेंटल शमाम्स, शमाम्स कौन होते हैं, शमाम्स वो पर्सन्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन नेचुरल एंड सुपर नेचुरल वर्ल्ड्स. ठीक है, तो अगर हमें अगर ऐसे समझना है कि शमाम्स क्या होता है, तो एक मूवी अगर किसी ने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक था मूवी था जो शज़ाम करके था. ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होते थे. ठीक है, तो जैसे शज़ाम बोलता था तो वो तुरंत बिल्कुल सुपर हीरो बन जाता था, और फिर से बोलता था तो फिर वो नेचुरल स्टेट में आ जाता था. ठीक है, तो जो शमाम्स होते थे जिनके पास पावर होता था, सुपर नेचुरल पावर होते थे, तो ऐसा तो नहीं है कि जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होता है कि वो हमेशा बुरे ही होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं. ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है बिनाइन शमाम्स. ठीक है, जो जेंटलमैन जो होते थे, जो जादूगर होते थे या जो भी. ठीक है, ट्रांसेंड द लेवल्स ऑफ सैम कॉस्मोस. ठीक है, तो बोल रहा है कि वहाँ पे उनका राइज हुआ, ट्रांसेंड मतलब राइज. ठीक है, इन ऑर्डर टू डील विद द सोशल कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ के सोशल कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए उनका राइज हुआ. ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट द मटेरियल रिसोर्सेज. ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और मटेरियल रिसोर्सेज को डील करने के लिए, और मटेरियल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका राइज हुआ. एंड इंजॉय अ मेजर ऑफ रेस्पेक्ट. ठीक है, और उनको रेस्पेक्टफुल नज़र से देखा जाता था, दैट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल. ठीक है, तो ऑर्डिनरी पीपल से उनको ऊंचा पद देखकर सोचा जाता था. ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या होता था, सुपर नेचुरल पावर होता था, अथॉरिटी होता था. ठीक है, ओके, सेलेक्टेड टेल्स रिवील दैट दे डील विथ अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो जो टेल्स हैं, जो सेलेक्टेड टेल्स के बारे में बता रहा है. ठीक है, जो सेलेक्टेड टेल्स क्या रिवील करता है कि वो किस चीज़ में डील करते थे, वो स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट में डील करते थे. दैट हैज सोशल इम्प्लीकेशंस, जिसका कुछ सोशल इम्प्लीकेशंस होता है. ठीक है, एंड कंसर्न कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल एंड लिविंग और डेड मेलोवेंट शमाम्स. ठीक है, तो वो लिविंग और डेड के बीच में वो कन्फ्लिक्ट को देखते थे. ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है, मीनिंग कैन बी एलिसिटेड. ठीक है, मीनिंग कैन बी एलिसिटेड मतलब टू ब्रिंग टू एंड फोर्थ. ठीक है, एंड द टेल्स कंटेक्चुअलाइज. ठीक है, किसी भी स्टोरी से लेके उसे कंटेक्चुअलाइज कर दिया जाता है, कोई भी प्रेजेंट सिनेरियो से लेकर उसे कंटेक्चुअलाइज कर दिया जाता है टेल्स को. ठीक है, बाय प्रोबिंग बीनीथ द नैरेटिव ऑफ वर्बेटिम. वर्बेटिम क्या होता है, वर्बेटिम मतलब होता है कि नोटिंग डाउन वर्ड टू वर्ड. ठीक है,
ओके ओरिजिनल लैंग्वेज रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो लैंग्वेज के जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं, एंड एक्सप्लोरिंग द कोनोटेशंस, कोनोटेशंस मतलब होता है लॉजिक, ठीक है, ऑफ हाईली सिग्निफिकेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ओके तो ये जब हम पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, ठीक है, और इसको समझने में हो सकता है बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट लेवल का है, ये ईजी लेवल का नहीं है ये पैराजम्बल, ठीक है, तो मगर हमें पढ़ने से इतना समझ में आया है कि यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर के बारे में बात हो रही है, शमाम्स के बारे में बात हो रही है, मेनली किसके बारे में बात हो रही है, फोक टेल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो फोक टेल्स में कैसे क्या होता था उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, और शमाम्स का क्या रोल होता था, उनका काम होता था कि वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट को डील करें और मटेरियल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, तो अब हमें देखना है कि पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, मतलब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है, तो यूजिंग देयर सुपर नेचुरल पोटेंसी, ठीक है, तो यूजिंग देयर सुपर नेचुरल पोटेंसी, तो उसके पहले तो कुछ बोलना चाहिए इसके पहले, है ना, क्योंकि पहले पता तो चले कि किसके बारे में बात कर रहा है, उसके बाद ही तो सुपर नेचुरल पोटेंसी के बारे में, इसका मतलब कि पहले शमैम्स के बारे में पहले कुछ बात करेगा, उसके बाद ही तो फिर ये आएगा, तो ये तो आपका पहला नहीं हो सकता है। ओके सेलेक्टेड टेल्स, सेलेक्टेड टेल्स रिवील दैट दे डील विद अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का तो नहीं लग रहा है, ये कहीं बीच का लग रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है। ओके नेक्स्ट है मीनिंग कैन बी एलिसिटेड एंड द टेल्स कंटेक्चुअलाइज्ड बाय प्रोबिंग बिनीथ द नैरेटिव ऑफ वर्बेटिम ओरिजिनल लैंग्वेज रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्लोरिंग द कोनोटेशंस ऑफ हाईली सिग्निफिकेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, ठीक है, बट ये हमें देखने से ये तो नहीं लग रहा है कि ये फर्स्ट है, तो हमारे पास बचता कौन सा है, पहला वाला, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ओके रिलाइंग ऑन द नैरेटिव स्ट्रक्चर इंडिजिनियस सिग्निफिकेंसेज ऑफ 19th सेंचुरी सैन फोक टेल्स आर हार्ड टू डिटरमाइन, अच्छा तो ये पढ़ने से तो हमें समझ में आ रहा है कि एक जनरल सा बात कर रहा है, ठीक है, ये बहुत ही जनरल सा बात कर रहा है, और बाकी सब में जो है कोई जनरल से बारे में बात नहीं हो रहा है, किसी चीज़ को लेके बात कर रहा है, जैसे इसमें सुपर नेचुरल पोटेंसी को लेके बात कर रहा है, शमाम्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्टेड टेल्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और ये भी जो है ये भी सुनने में बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है, मगर हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये पहला जो है ये फर्स्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल बात कर रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, फोक टेल्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि फोक टेल्स के बारे में और भी कहीं कुछ बात कर रहा है या कुछ और दूसरे तरीके का नया टाइप का बात कर रहा है क्या, तो ये और ये तो नहीं होगा, ठीक है, ओके क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है यूजिंग देयर सुपर नेचुरल पोटेंसी, तो यहाँ पे तो उसके पहले कोई सुपर नेचुरल शमैम्स के बारे में तो कुछ बात नहीं किया गया है, तो ये तो नहीं होगा। सेलेक्टेड टेल्स, तो पहले तो अभी टेल्स के बारे में तो बात हो रही है ना, पहले सेंटेंस में टेल्स के बारे में तो बात हो रही है, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिविंग और डेड मेलोवेंट शमाम्स, तो इसके पहले भी कुछ और बात करना चाहिए, है ना, तो हम बचते हैं इसके साथ, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि सेकंड क्यों होगा। ओके इसमें बोल रहा है मीनिंग कैन बी एलिसिटेड एंड टेल्स कॉन्टेक्चुअलाइज, टेल्स को जो है कॉन्टेक्चुअलाइज किया जा सकता है बाई प्रूविंग बिनीथ द नैरेटिव ऑफ वर्बेटिम, ठीक है, अच्छा टेल्स कैन बी कॉन्टेक्चुअलाइज, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो नैरेटिव स्ट्रक्चर जो बता रहा है 19th सेंचुरी का, ठीक है, तो वहाँ के नेटिव लोग के हिसाब से वहाँ के फोक टेल्स को डिटरमाइन करना हार्ड है, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि फोक टेल्स को डिटरमाइन करना हार्ड है, तो यहाँ पे जो फोर्थ है, यहाँ पे जो बोल रहा है कि द टेल्स कैन बी कॉन्टेक्चुअलाइज बाई प्रूविंग बिनीथ द नैरेटिव ऑफ वर्बेटिम, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा इसके बाद वाला सेकेंड नंबर का आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है, ओके अच्छा ये तो हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, उसके बाद फिर तो पहले हमें शमैम्स, इसमें तो सुपर नेचुरल पोटेंसी है, तो इसमें इसके पहले तो शमैम्स के बारे में बात होना चाहिए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेलोवेंट शमैम्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये आपका थर्ड होना चाहिए, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे आना चाहिए, है ना, क्योंकि बता रहा है कि सेलेक्टेड टेल्स रिवील दैट दे डील विद अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट से डील करता है, एंड दैट हैज सोशल implications, जो टेल्स है वो स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट से डील करते हैं और उसके सोशल implications होते हैं एंड concerns होते हैं, ठीक है, किसके बीच में, पीपल लिविंग और डेड, जो जीवित हैं और जो मरे हुए हैं उनके बीच में, तो उनके बीच में कौन होते हैं, मेलोवेंट शमैम्स, ठीक है, तो मेलोवेंट मतलब क्या होता है, विशिंग ईविल और हार्म टू अदर्स, ठीक है,
ओके यहाँ पे मेलो एंड शमैम्स के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हमारा हमने पता है कि ये अब तीसरा नंबर ही होगा, ठीक है। ओके तो जब हम 1, 2, 3 देख लिए तो ऑफकोर्स ये फोर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बता रहा है कि शमैम्स के बारे में बात हो गया, अब बता रहा है कि यूजिंग देयर सुपर नेचुरल पोटेंसी, जो मेलोवेंट शमैम्स हैं उनके सुपर नेचुरल पोटेंसी को यूज़ करते हुए, सुपर नेचुरल अथॉरिटी को यूज़ करते हुए, बिनाइन शमैम्स ट्रांसेंड द लेवल्स ऑफ सैन कॉस्मोस इन ऑर्डर टू डील विद द सोशल कन्फ्लिक्ट एंड टू प्रोटेक्ट द मटेरियल रिसोर्सेज एंड टू इन्जॉय अ मेजर ऑफ रेस्पेक्ट दैट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो है सीक्वेंस, तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस अब क्या होगा हम लिख लेते हैं, इसका होगा 1, 4, 3 एंड 2। ओके ओके सो ये हमारा पैराजम्बल का पहला सेट खत्म हो गया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके हम देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। ये भी 4 सेंटेंसेस से है, ठीक है, पैराजम्बल। अब इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है टेंशंस एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट रिमेन एंड इशू इन बिटवीन द 11 स्टेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, 11 स्टेट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उस सबके नाम दिए हुए हैं, ब्रुनेई, डार्सलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लेओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, टिमोर लेस्ते एंड वियतनाम, ठीक है। तो ये सब आपके 11 साउथ ईस्ट एशियन के क्या है, ये सब कंट्रीज हैं, ठीक है। ओके तो बता रहा है कि यहाँ पे टेंशन एंड समटाइम कन्फ्लिक्ट रिमेन एंड इशू, इन लोगों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ सोशल ये कन्फ्लिक्ट रहता है या किसी प्रकार का हमेशा इशू रहता है, ठीक है। ओके चाइनाज राइज एज अ रीजनल मिलिट्री पावर एंड इट्स क्लेम इन द साउथ चाइना सी हैव बिकम एन इंक्रीजिंगली प्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न फॉर मेनी साउथ ईस्टर्न एशियन स्टेट्स, ठीक है। तो बता रहा है कि चाइना का राइज एज अ रीजनल मिलिट्री पावर, क्योंकि चाइना एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है और वो एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है और उसका मिलिट्री पावर भी सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जिसका ज़्यादा मिलिट्री पावर होता है तो वो यही करता है काम, ठीक है, कि वो सबको क्रश करने की कोशिश करता है, ठीक है। जो छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर अपना आधिपत्य अपना जमाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो बता रहा है कि सिंस 1990s, ठीक है, 1999 के सदी में डेकेड में द सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हैज सीन बोथ कंटिन्यूटी एंड प्रोफाउंड चेंजेस। तो बता रहा है कि जो वहाँ का जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है 1990s से देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है साउथ ईस्ट एशिया का वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, प्रोफाउंड चेंजेस आ गए हैं, ठीक है ना। और फिर क्या बता रहा है, दीज कंसर्न्स कॉज स्टेट्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजियन टू टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द साउथ एशियन सिक्योरिटी। तो बता रहा है कि ये सब कंसर्न के वजह से क्या हो रहा है, स्टेट्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजियन, जो साउथ चाइना सी के आजू बाजू में जितने भी रीजियन है, ठीक है, तो उनसे हटकर कोई बाहर वाला देश, ठीक है, वो आके एक्टिव इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, इन द साउथ ईस्ट एशिया सिक्योरिटी, वहाँ के सिक्योरिटी में। क्योंकि अगर कोई भी देश अगर दूसरे देशों पर हमेशा अपना आधिपत्य जमाना चाहेगा तो उसके वजह से हमेशा टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, ठीक है, और उसको कम करने के लिए कोई थर्ड पार्टी को आना पड़ेगा एज ए इंटरमीडियरी, ठीक है, या एज अ बॉस, ताकि वो वहाँ की शांति व्यवस्था को मैनेज कर सके, ठीक है। तो हमें ये पैराजम्बल पढ़ने से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसके किसके बारे में बात किया गया है। एक तो बताया गया है कि यहाँ पे जो 11 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके बीच में बता रहा है कि टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं हमेशा, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर क्या बता रहा है कि चाइना का राइज एज अ मिलिट्री पावर, ठीक है, क्योंकि वो अपना हमेशा क्लेम करते रहता है साउथ चाइना सी पे, ठीक है, ओके। और बता रहा है कि 1990 से सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया काफ़ी चेंज हो चुका है, ठीक है, प्रोफाउंड चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। और बता रहा है कि दिस कंसर्न्स कॉज स्टेट्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजन, बाहर के देश भी जो हैं उस कंसर्न को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है, काफ़ी टेंशन्स रहते हैं जिसके वजह से काफ़ी कुछ डिस्टर्ब होता है, आपका ट्रेड डिस्टर्ब होता है, आपका सिक्योरिटी कंसर्न्स ये होते हैं, ये एलिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ने में से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे हमेशा पावर लेने की बात हो रही है इस स्टूडेंट पैराजम्बल, ठीक है। और चाइना के बारे में मेनली बात हो रही है, तो चाइना के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि वो तो सब चीज़ को अपना ही क्लेम करता है दुनिया में, ठीक है, हो सकता है कल के डेट में वो सूरज पे जाके भी बोलेगा कि सूरज मेरा है, वहाँ पे अपना झंडा गाड़ के आ जाएगा, ठीक है, उसके साथ वैसा है, ठीक है, दुनिया में सब चीज़ उसका है मगर
कोरोना वायरस उसका नहीं है, ठीक है, सब चीज़ उसका है मगर कोरोना वायरस उसका नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसमें पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, तो टेंशन्स एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट रिमेन एन इशू, ठीक है। तो ये तो आपका पहला तो नहीं होगा, ये कहीं बीच का है बता रहा है, ठीक है, ये तो पहला तो नहीं हो सकता है। ओके, ये हो सकता है, सेकंड नंबर आपका हो सकता है, क्योंकि चाइना से बात कर रहा है, चाइना के बारे में बात कर रहा है और एक जनरल सा बात ही कह रहा है। और ये है सिंस 1990 द सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ऑफ, अच्छा ये इससे भी ज़्यादा जनरल बात कर रहा, मतलब ये ज़्यादा स्पेसिफिक बात कर रहा है, स्पेसिफिक नहीं कह रहे, ये आपका जनरल बात कर रहा है और ये आपका आपका स्पेसिफिक बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका चाइना के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये आपका फर्स्ट होना चाहिए, बट चौथा भी देख लेते हैं, दिस कंसर्न्स, ठीक है। तो दिस कंसर्न्स है तो ये तो पहला नहीं होगा, तो ऑफकोर्स ये हमारा पहला सेंटेंस होगा, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा। तो इसमें बता रहा है कि 1990s में जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है वो काफ़ी चेंजेस अंडरगो किया है, ठीक है। ओके, अब वो क्या चेंजेस अंडरगो किया होगा वो हम भी हमें देखना है, ठीक है। तो चेंजेस क्या है देखते हैं, तो चाइना राइज, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात कर रहा है ना यहाँ पे, थर्ड सेंटेंस में आपका साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात कर रहा है, तो साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड ही कुछ और बात होना चाहिए कहीं पे, तो ये कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मगर इसके इस साउथ ईस्ट बात साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात कर रहा है मगर कंसर्न्स है, पहले कंसर्न्स को डील करना पड़ेगा। तो कंसर्न्स क्या हैं, तो कंसर्न्स आपके ये हैं, टेंशंस एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्ट रिमेन एंड इशू, यही कंसर्न के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, बिटवीन 11 स्टेट्स इन द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, और ये सारे 11 कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड, ठीक है। ओके, ये तो हो गया, हाँ, फिर आपका देखते हैं कि सेकंड में और फोर्थ में कौन सा आता है, ठीक है। तो 11 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में बात कर दिया, तो अभी साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड ही कुछ बात किया होगा, क्योंकि सब में तो साउथ ईस्ट एशिया कहीं ना कहीं मेंशन है ही, ठीक है, बट फिर भी हम देखते हैं। ओके, हाँ ठीक है, अब देखते हैं, हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं और फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पे चाइना का राइज एज अ रीजनल मिलिट्री पावर, ठीक है, एंड इट्स क्लेम इन द साउथ चाइना सी हैव बिकम एन इंक्रीजिंगली प्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, ये तो समझ में आया कि वो एक सिक्योरिटी कंसर्न हो चुका है, ठीक है, मगर यहाँ पे फिर बता रहा है कि स्टेट्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजन, ठीक है, टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये वाला तो पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले तो बताएगा ना कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही तो बताएगा ना कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो प्रॉब्लम तो ये है, ये आपका चाइना ही तो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका अगर वो अपना जो आधिपत्य जमा रहा है साउथ चाइना सी के ऊपर, ठीक है, तो यही तो आपका मेन कंसर्न है, आपका सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है। और इसी सिक्योरिटी कंसर्न को डील करने के लिए तो स्टेट्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजन, ठीक है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ठीक है, तो आउटसाइड द रीजन कौन से हो गए स्टेट्स आपके, अमेरिका हो गए या रशिया हो गया या जो भी हो गया, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये हमारा आपका हो गया थर्ड, ठीक है, तो हमें 1, 2, 3 तो पता चल गया, तो ऑफकोर्स ये फोर्थ ही होगा, ठीक है। सो अब हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल गया और इसका प्रॉपर सीक्वेंस हम लिख लेते हैं, क्या होगा, 3, 1, 2, 4, ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस हुआ, ठीक है। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and don't forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and please keep on liking my videos and shower your love and support to this channel. Thank you so much.